ओम हनुमते नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अविरल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निधि। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल एक विशेष श्रृंखला हम चला रहे हैं जो कि अप्सरा साधना से संबंधित है। उसी श्रृंखला में आज बात करते हैं सशि अप्सरा की साधना की। अप्सरा साधना अत्यंत कठिन साधना है। इस साधना के लिए शुक्रवार का दिन सबसे उपयुक्त माना जाता है। साधना के लिए सबसे उपयुक्त समय रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का माना जाता है। सशि अप्सरा साधना में जप के लिए हकीक की माला आवश्यक है। गुलाब के ताजे फूलों की माला भी प्रतिदिन रखनी चाहिए। इत्र, धूप और शुद्ध आसन अन्य साधन हैं। इस साधना को आरंभ करने के पूर्व यह आवश्यक है कि आप पूर्ण स्वस्थ हों, स्वच्छ हों वह नए धुले कपड़े पहने हुए हों। यह साधना घर के किसी एकांत कमरे में करनी चाहिए। कमरा पूर्ण स्वच्छ व सुगंधित होना चाहिए। साधना के लिए उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए। प्रतिदिन हकीक की माला से 51 माला जप करना होता है। शशि अप्सरा का मूल मंत्र है ओम ह्रीम आगच्छा गच्छ शशि दिव्य अप्सराये नमः। साधना के पूर्ण होने पर शशि अप्सरा स्वयं प्रकट होकर साधक की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। माना जाता है कि सशि अप्सरा साधना दुर्जट पर्वत पर जाकर करनी चाहिए, लेकिन आधुनिक परिवेश में यह अत्यंत कठिन है। यही कारण है कि साधना के लिए घर में ही उचित स्थान का चयन करते हैं। सशि अप्सरा प्रसन्न होकर साधक को दिव्य रसायन प्रदान करती है, जिससे साधक अत्यंत बली, निरोग, सुंदर व स्वस्थ हो जाता है। सशि अप्सरा साधना के लिए एक अन्य मंत्र भी है ओम श्री शशि देव्या माँ आगच्छा गच्छ स्वाहा। अप्सरा साधना भी अत्यंत कठिन व जटिल है। आमतौर से इस साधना में 1 माह का समय लगता है, इसीलिए बिना योग्य गुरु के यह साधना बिल्कुल ना करें। बिना पूर्ण जानकारी के की गई कोई भी साधना शारीरिक व मानसिक क्षति पहुंचा सकती है। मित्रों, हमारे वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।